सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी इस दर पे कभी उस दर पे। वजह यह है, एक तो अकीदे में पुख्तगी न रही, ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और दूसरे मुकाम पर मुसलमान का हाल ये हो गया है, मुसलमान की कैफियत ये हो गई है, एक तरफ तो अकीदे में कमजोर है, अकीदा मुतज़लज़ल है, और दूसरी तरफ अमल के मामले में भी इतनी कमजोरी आ गई, इस कदर कमजोरी आ गई कि आज का मुसलमान माज़अल्लाह नमाजों से दूर है, इबादतों से दूर है, तवक्कुल से दूर है, हया से दूर है, पाक दामनी से दूर है, बेहयाई का माहौल है, गंदगी का माहौल है, बदअमली का माहौल है, बुराइयों का माहौल है। हाँ हाँ, अब मुसलमानों का हाल ये हो गया, सुबह होती है तो फज्र की नमाज तर्क करते करते होती है, मुसलमानों का हाल ये हो गया, गुसल खाने से निकलते हैं तो बेहयाई इस कदर आम हो चुकी है कि मुसलमान तौलिया लपेट करके अपने गुसल खाने से निकलता है। नन्ही सी बच्ची बाप को देख रही है, उसके घुटने खुले हुए हैं, बीवी देख रही है, बहनें देख रही है, जबकि इस्लाम का दस्तूर यह है कि मर्द का घुटने के ऊपर का हिस्सा भी सतरे औरत है, उसका देखना भी हराम है, उसका दिखाना भी हराम है। मर्दों के यहां यह बेहयाई कि माज़ अल्लाह अल्लाह अकबर, रास्ता चलते चलते आज मुसलमानों का हाल यह है कि लुंगी खोल करके यूं बांधने शुरू करते हैं, हया न रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया और गैरत का ये आलम था। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर अलैहि सलातु व तस्लीम ऐसी हया करते थे कि जैसी हया कवारी लड़कियां मर्दों से जितना नहीं करती, उससे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से हया फरमाते थे। हुजूर अलैहि सलाम की हया का ये आलम था कि हुजूर अलैहि सलाम की पिंडलियों के ऊपर का हिस्सा भी लोगों ने कभी नहीं देखा। आकाए करीम की हया का ये आलम था। अल्लाह अकबर, कुछ मखसूस खुश नसीब वो हैं जिनको हुजूर की पिंडलियों के ऊपर का हिस्सा देखना नसीब हुआ। अक्सर सहाबा ने हुजूर की पिंडलियां तक नहीं देखी, पिंडलियों के ऊपर का हिस्सा तक नहीं देखा, बल्कि एक मर्तबा रिवायत में यह आता है कि आकाए करीम इस तरह अपने बिस्तर पे लेटे थे कि पिंडलियों से उंगली शरीफ कुछ ऊपर को आ गई थी। सरकार अलैहि सलाम लेटे हुए हैं और सिद्दीक अकबर आते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, दरवाजा खोला जाता है, सिद्दीक आकर बैठ जाते हैं। हुजूर अलैहि सलाम इसी तरह हैं कि पूरी पिंडली शरीफ खुली हुई है। उसके बाद फारूक आजम आते हैं और इसी तरह हुजूर बदस्तूर लेटे रहते हैं कि पूरी पिंडली शरीफ खुली हुई है। उसके बाद उस्मान गनी ने दस्तक दी, पूछा गया कौन का उस्मान, मेरे आका अलैहि सलाम पहले उठकर बैठे, पिंडलियों पे लुंगी शरीफ का कपड़ा डाला और उसके बाद फिर उनको अंदर बुलाया। तीनों यारों के दरमियान हुजूर ने बातें की, तीनों उठकर चले गए। अम्मा जान आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे अब्बा अबू बकर आए, आपकी पिंडलियां खुली रही, उमर आए, पिंडलियां खुली रही, लेकिन जब उस्मान आए, आका आपने पिंडलियों पे कपड़ा डाल लिया। अम्मा जान आयशा सिद्दीका के सवाल पर आका ने फरमाया, आयशा, क्या मैं उससे हया न करूं जिससे अल्लाह और उसके फरिश्ते हया करते हैं। आप देखे, आज आपने हया और इस्लाम का उन्वान दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पिंडलियों के ऊपर का हिस्सा हजरत उस्मान गनी को तक दिखाना गवारा न किया, और पिंडलियां तो अपनी जगह। आकाए करीम इस कदर बाहया थे, बल्कि बाहया कहूं हुजूर को मेरा जी नहीं बढ़ता, हुजूर जाने हया थे, हुजूर सिर्फ बाहया ही नहीं थे, हुजूर जाने हया, हया की जान थे, वो जाने हया थे। आकाए करीम के किशान ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरी महफिलों में, जितनी महफिलों में हुजूर बैठे, कभी हुजूर ने पैर भी नहीं फैलाए। इसीलिए 1,24,000 या 40,000 कमोबेश सहाबा में 50 सहाबा भी ये नहीं कह सकते कि हमने हुजूर के तलवों को देखा है। हुजूर के तलवे भी सहाबा ने नहीं देखा, ये हुजूर की हया थी, हुजूर के तलवे भी नहीं देखे। और आपको बताऊं, एक दिन ऐसा हो गया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल विसाल में, बीमार थे आका अलैहिस्सलाम, सरकार मर्ज में हैं,
और मर्ज विसाल के भी इस विसाल के बाद हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर यूं लेटे थे कि पैर फैल गए और चादर यूं आका अलैहि सलाम ने ओढ़ रखी थी कि पैर खुले हुए थे। एक सहाबी गालिबन उनका नाम जैद है, वो रहते थे देहात में, वो आका से मिलने के लिए आए। कहते जैद हुजूर से मिलने के लिए आए, तो आए तो किसी से कहा गालिबन हजरत अब्बास या मौला अली से कि मैंने कई दिन से हुजूर को नहीं देखा और मुझे पता चला है कि हुजूर अलील हैं, तो क्या हुजूर का रुखे अनवर मुझे दिखा सकते हो? तो कहा गया कि हुजूर इतने अलील है कि किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। कहा ठीक है, मैं मिलूंगा नहीं, सिर्फ एक झलक दिखा देना। उन्होंने मौला अली ने या जनाब अब्बास ने अंदर ले गए, पर्दा हटाया और देखा, देखो हुजूर दिख रहे हैं, आका दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी, आज जनाब जैद का मुकद्दर उरूज पर था, क्योंकि आका लेटे हुए थे और हुजूर अलैहिस्सलाम के पैर शरीफ फैले हुए थे, तो सिर्फ हुजूर के तलवे नजर आ रहे थे, चादर जो उठी थी। अब तक जैद ने तलवे रसूल नहीं देखा था, सिर्फ आज हुजूर के तलवे दिख रहे थे। अब आका के तलवे पे मैं क्या अर्ज करूं, सिर्फ इतना इशारा देना चाहता हूं, जो तुम्हारे मोहल्ले का सबसे काला आदमी होगा, जो तुम्हारे मोहल्ले का सबसे काला आदमी होगा, कभी उसका तलवा भी देखना। अरे काले इंसान का तलवा भी गोरा होता है। तो जो इतना खूबसूरत हो, जो इतना हुस्न जमाल का पैकर हो कि जिसके चेहरे को खुदा भी प्यार से देखता है, खुदा भी प्यार से तकता है, जिसके हुस्न पर कायनात का हुस्न कुर्बान हो, उस रसूल का तलवा कितना खूबसूरत होगा। अब अगर उस तलवे का हुस्न बयान किया जाए तो ये एक अलग गुणवान और अलग तकरीर है। बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इमाम फरमाते हैं आसमा, बल्कि उस्ताद जमन फरमाते हैं आसमा गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमा गर तेरे तलवा गर नजारा करता। इसका मतलब आसमान ने तलवा रसूल देखा नहीं है। अरे पैर ही नहीं फैलाया, हया ही नहीं थी, इसलिए तलवा देखा ही नहीं है। अगर वो देख लेता तो क्या करता, आसमा गर तेरे तलवे का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। हुजूर सलाम के तलवे को अक्सर लोगों ने नहीं देखा, लेकिन जैद का मुकद्दर था तलवा दे। क्या तलवा है, क्या तलवा है। और हदीस पर मैं यूं अपने अल्फाज का जामा पहना दूं, क्या तलवा है और क्या तलवे का जलवा है। तलवे का जलवा क्या है कि जैद देखा और फिर कहा गया, जैद अब निकल जाओ, हुजूर के आराम में खलल नहीं डालना, निकल जाओ जैद। जैद यूं ही पिछले पैर उल्टे पैर निकलते चले गए, लेकिन तलवे को आंखों में बसा लिया। लेकिन अब जैद ने जो तलवों को आंखों में बसाया, जिधर देखते हैं तलवे का हुस्न ही नजर आता है। इधर घर पहुंचे, किसी ने खबर दी किसी ने, जैद हुजूर का विसाल हो गया, जैद आका का विसाल हो गया। जैद कहते, अल्लाह आखिरी चीज मैंने तेरे महबूब का तलवा देखा है, अब तू एक काम कर मौला, मेरी आंखों का नूर छीन ले, मेरी आंखों की रोशनी छीन ले, क्योंकि हुजूर का तलवा इतना खूबसूरत है कि अब तलवा देखने के बाद अब किसी का चेहरा देखना भी मेरे दिल को गवारा नहीं है। इसीलिए अहले सुन्नत का इमाम कहता है, तेरे तलवों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पर चढ़े देख के तलवा तेरा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पर चढ़े देख के तलवा तेरा। तो हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ये खुसूसियात थी, इतने बाहया थे आका कि मेरे सरकार ने कभी किसी के सामने पैर भी नहीं फैलाए कि लोग हुजूर का तलवा देख सकें। लेकिन आज इस उम्मत की बेहयाई का आलम यह है कि लोग माशाल्लाह बिल्कुल बेतरतीबी से कभी तावेल बांध के निकलते हैं, और अब तो इतनी बेहयाई आम हो चुकी है कि गैर मुस्लिमों को देखते देखते अब लोग जो है हाफ चड्डियां पहनना शुरू कर दिए हैं, उसमें घुटने भी दिखते हैं और फिर माज़ल्ला पैर का अक्सर हिस्सा नजर आता है। मुसलमानों क्या बेहयाई आम हो रही है।